डिवीजन में चैप्टर 6 है जिसका नाम है स्थानीय संस्थाएं और खंड खा का ये चैप्टर है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करें। इसकी हम सबसे पहले जानने वाले हैं अति लघु प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि स्थानीय संस्थाओं का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यानी हमें स्थानीय संस्था के बारे में जानना है। जो स्थानीय संस्था है ये तीसरे स्तर की एक सरकार कह सकते हैं आप। जैसे कि देखिए, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो केंद्र सरकार है वो केंद्र का कार्य करती है और जो राज्य सरकार है वो राज्यों का कार्य करती है। तो जो तीसरे स्तर की सरकार आती है जो कि कहलाती है स्थानीय संस्थाएं। इसमें होता ये है, देखिए पढ़ते हैं इसको हम फिर समझेंगे। देश में राजनीतिक रचना के रूप में दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया है। फिर आकार और राज्य, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं विकास के कार्यों पर समुचित ध्यान देने पर तीसरे स्तर की संस्था का निर्माण किया गया, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय संस्थाएं, जैसे नगरपालिका, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये क्या है, तीसरे स्तर की सरकार है जिसे बोलेंगे स्थानीय संस्थाएं। इनका कार्य क्या होता है, जो क्षेत्र पड़ते हैं हमारे आसपास के उनके साफ सफाई करने का कार्य भी होता है। ठीक है, साफ सफाई करने का या जो भी आदेश आए उसके नियम का पालन करना सरकार द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार लिखिए। तो देखिए, पहला तो ये है नगर निगम। अगर शहर है तो नगर निगम होगा और होता है फिर नगर पालिका, और नगर पंचायत तो गांव में होता है, एवं जिला परिषद। तो ये हो गए इनके प्रकार। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के नाम लिखिए। ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला परिषद। फिर उसके बाद देखिए फोर क्वेश्चन है, नगर पालिका के प्रमुख 5 कार्य क्या हैं। तो नगर पालिका के कार्य क्या होते हैं, बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य से सबसे पहले वो क्या करेगा, सफाई करेगा, जिससे कि जो हमारा जो स्वास्थ्य है एकदम अच्छा बना रहे। इसी के साथ साथ सड़क पर नालियाँ बनवाना, कार आदि नगर पालिका क्षेत्र विकास के उद्देश्य से करती हैं। ठीक है, जैसे घर से कचरा ले जाने वाली गाड़ी जो अभी आती है, सड़कों को समय समय पर साफ करना, मरे हुए जानवर को भूचड़ खाना पहुंचाना, यानी उनके स्थान पहुंचा देना या फिर उन्हें दफना देना। फिर उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक संरचना किस प्रकार की है। तो भारत की राजनीतिक संरचना संघात्मक, अर्थात कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो तीसरे स्तर की सरकार है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, जो राजनीति संरचना का भाग है। 6 क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार में स्थानीय संस्थाओं का क्या योगदान है। तो जो पहला है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सबसे पहला तो ये है। दूसरा है पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, यानी ये शिक्षा वो होती है जो गांव में कुछ अनपढ़ होते हैं उनको उनका नाम लिखना, साइन करना और छोटा मोटा कार्य बताना, जिससे कि वह कर सकें। ठीक है, जैसे कि हिंदी पढ़ना, सिंपल सा अपना खुद का नाम लिखना, तो ये इतना सिखाते हैं। और तीसरा है आर्थिक सहायता, यानी पैसे और या धन देकर लोगों की सहायता करना। 4 है, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना। पुस्तकालय तो आप जानते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी किताबें रखी होती हैं, जहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए लघु प्रश्न, तो हमने अति लघु जान लिए जो कि बहुत छोटे छोटे थे, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखिए लघु, लघु पर आ गए हम। तो पहला देखिए, राजनीतिक विचारक लाश की ने स्थानीय संस्था के विषय में क्या कहा। ये जो है लास्की एक शिक्षा शास्त्री है। तो राजनीतिक विचारक लास्की का कथन है कि संस्थाएं सरकार के अन्य अंगों से बढ़कर जन साधारण को जनतंत्रीय आदर्शों की शिक्षा देती है। नागरिक लोगों को
विकसित करने के लिए प्राथमिक पाठशाला का कार्य करती है और जनता को वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। तो लास्की के अनुसार ये है, जो संस्थाएं बनाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति ज्ञान अनुसरण करता है यानी सीखता है, तो वहां पर राजनैतिक जो विचार हैं वो जरूर बताए जाते हैं कि हम जो हैं एक देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता यानी आज़ाद हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये अनुभव कराया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसमें जो आया है विकेंद्रीकरण, इसका मेन समझना हमें आवश्यक है। तो देखिए, भारत एक संघीय देश है, संघीय मतलब मिलकर बना हुआ। भारत जनसंख्या एवं संस्कृति विशाल सभ्यता एवं विविधता का देश है। भारत में शासन सत्ता का दो स्तरों में विभाजन किया गया है, पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, हमने जाना था अभी। लेकिन इन दोनों सरकारों द्वारा संपूर्ण देश का शासन ठीक रूप से चला पाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया यानी बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है, जो हमने जाना था अभी अति लघु में। तो इस आधार पर सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय में कर दिया गया। तीसरे स्तर की सरकार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो विकेंद्रीकरण आप समझ गए होंगे, जो दो सरकार थी उन दोनों से कार्य नहीं हो पाता, तो तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। ये आवश्यकता को पूर्ण करती है व्यक्तियों की। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्र के नागरिकों से कौन कौन से कर लेने का अधिकार है। जो स्थानीय सरकार है वो एक कर भी लेती है, जिससे कि जो कर्मचारी वहाँ पर जो काम करते हैं स्थानीय सरकार जो संस्था में कार्य करते हैं उनको वेतन दिया जा सके। देखिए, पहला है गृह कर, दूसरा है जल कर, गृह कर मतलब कि हाउस टैक्स, दूसरा जल कर यानी वाटर टैक्स, तीसरा है विद्युत कर यानी बिजली का बिल, और चौथा है शिक्षा उपकरण यानी जो संस्थाएं बनी हुई हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनका कर, पांचवा है मनोरंजन कर, ये भी होता है जो टीवी में शो आते हैं। तो ये तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो कम्प्लीट होता है लघु का। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें।